शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 15। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 15। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मुझे चेताता है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया, और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चा क्या दूध पिऊआ क्या गाय क्या बैल क्या भेड़ बकरी क्या ऊंट क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाई में गिना, और वे 200,000 प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातक को बिठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालू, क्योंकि तुमने सब इसराइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हविला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के सामने है, अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। तब परमेश्वर का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इसराइली गोत्रियों का प्रधान न हो गया, और क्या यहोवा ने इसराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया, और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहा। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं, अमालेकियों को सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को
गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैं तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। तब शाऊल ने कहा, अमालिकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई है, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता था और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था।